जहां भी दृष्टि जाती है उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। यदि उसी ने इस जगत को बनाया है वो इसी में आके मिल गया है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो रूप है उसी परमात्मा का है जिसने इसको बनाया है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, हम लोग कहते हैं ये घड़ा है, पर पूछा जाए ये घड़ा है किसका, बोले मिट्टी का घड़ा है। या फिर कोई पूछे जरा इस घड़े में मिट्टी कहाँ है बताना, तो बताइए पूरे घड़े में ऐसी जगह है कोई जहां माटी ना हो? नीचे से ऊपर तक माटी ही माटी है, माटी के अलावा और कुछ नहीं है, पर कहते उसको घड़ा है। जैसे घड़े में मिट्टी ही है इसके अलावा और कुछ नहीं, ऐसे जगत में परमात्मा ही है उसके अलावा और कुछ नहीं। मिट्टी से बना नाम रखा घड़ा, ऐसे परमात्मा ने बनाया नाम रखा संसार। इतरतः फिर कहा नहीं नहीं भगवान अलग भी है। पहले कहते हैं वेद भगवान परमात्मा इस जगत में मिला है, फिर कहते भगवान इससे अलग भी है। बोले वो कैसे, या तो मिले हैं या अलग है। तो संत कहते हैं अर्थेशु सद पदार्थेशु अन्वयः, जितने सद पदार्थ हैं उनमें भगवान मिले हैं, अर्थेशु असत पदार्थेशु इतरतः, जितने असत पदार्थ हैं भगवान उनसे अलग हैं। अब कोई ये कहे कि घड़ा मिट्टी का है, अब माटी घड़े में ही है, क्या घड़े के अलावा माटी नहीं हो सकती और क्या नहीं है? भाई मिट्टी घड़े को बनाती है, घड़ा माटी को नहीं बनाता। परमात्मा संसार को बनाता है, संसार परमात्मा को नहीं बनाता। मिट्टी नहीं थी तब भी घड़ा नहीं था तब भी माटी थी, घड़ा बन गया तो भी माटी है। घड़ा भी बना है पर घड़े में थोड़ी सी मिट्टी है और माटी विशाल है। ऐसे ही ये संसार है, इसमें परमात्मा मिला है पर इस संसार के अलावा भी तो परमात्मा है। बोले वो कैसे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है आत्मा है तब तक हमारी बड़ी कीमत है। केवल इस शरीर को बनाने वाला इसमें से निकल जाए, बताओ हमारे शरीर की क्या कीमत है? हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, आंख भी है, बाड़ी भी है, सब कुछ है, बस इसको बनाने वाला निकल गया है। पता है क्या कहते इसको, बोले मुर्दा। बनाने वाला एक बार निकल जाए तो जो परिवार सेवा करता था वही परिवार कहता है तो मिट्टी है जल्दी ठिकाने लगा दो, शमशान में जाकर के अग्नि में जला देते हैं। क्यों? बोले वो परमात्मा निकल गया है। भगवान अलग भी है, भगवान मिले भी है। जब आवश्यकता होती है तो मिल जाते हैं और देखते हैं कि अब उसको छोड़ना है तो अलग भी हो जाते हैं। भगवान अपने धाम में निवास करते हैं। भगवान की माया से बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते। भगवान की जो त्रिगुणमयी माया है, लगता तो ऐसा है कि झूठी है पर झूठी नहीं है, अमृता एकदम सच है। कुहकम कपटम नरस्ता, भगवान कपट को नष्ट करते हैं। कपट के साथ कोई आता है तो भगवान उससे कपट को नष्ट कर देते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी लोग ध्यान करें। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, न तो राम का नाम लिया है, न कृष्ण का नाम लिया, न शंकर जी का नाम लिया, न दुर्गा जी का नाम लिया। अब ये कैसे पता चले कि भागवत किसका है, राम का है कि कृष्ण का है? यहां नाम नहीं लिया, केवल सत्य का नाम लिया, सत्यम। मालव्य नाम क्यों नहीं लिया? वेद भगवान कहते हैं नाम इसलिए नहीं लिया, यदि राम का नाम लिया होता तो राम उपासक कहते भागवत हमारा है। कहीं हमने कृष्ण का नाम लिया होता तो कृष्ण उपासक कहते भागवत हमारा है। शंकर जी का नाम लिया होता
शिवम परम धीमहि, हम शिव का ध्यान करते हैं तो शिव उपासक कहते भागवत केवल हमारा है, एकाधिकार हो जाता। और भागवत एकाधिकार नहीं है, सबका है, तो क्या राम का नहीं है? बोले है, भागवत है उसका जो सत्य की उपासना में लगा है। तो क्या राम सत्य नहीं है? तुलसी बाबा कहते राम सत्य संकल्प दृढ़ सभा काल वसतो, राम सत्य है इसलिए भागवत राम जी का भी है। तो कृष्ण सत्य नहीं है? बोले वो भी है। जब भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की, सत्य व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य यौनिम निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नित्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। सत्य सत्य कहकर के देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान श्री कृष्ण भी सत्य है, उनका भी ये भागवत है। तो क्या शंकर जी का नहीं है? बोले शंकर जी का भी है, क्योंकि शंकर जी को कहते हैं ना सत्यम शिवम, शंकर जी भी सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी सत्य है, शिवम कल्याण है, और फिर और ये सब होने के बाद भी बड़े सुंदर हैं। तो क्या दुर्गा जी का ये ग्रंथ नहीं है? बोले है, सप्त सती में आता है या देवी सर्वभूतेषु सत्य रूपेण संस्थिता, दुर्गा भी सत्य है, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, और भागवत उनका है जो सत्य की उपासना करे। किसी व्यक्ति की उपासना नहीं, सत्य की उपासना, कोई भी हो हर किसी का अधिकार है भागवत पर। बस उसके लिए नियम है जो सत्य की खोज में लगा हो। देखो किसी ने प्याऊ लगा दी, गर्मियों में चौराहे पर प्याऊ लगाते हैं। अब किसी व्यक्ति विशेष के लिए लगाइए क्या? किसी जाति विशेष के लिए लगाइए? किसी धर्म विशेष के लिए प्याऊ लगाइए? चौराहे पर जो प्याऊ लगी है उसका एक ही हेतु है, एक ही उद्देश्य है, जिसे प्यास लगी है वो आकर के पानी पिए। प्यासे के लिए प्याऊ लगाइए। तो भागवत का जो निर्माण है, भागवत का जो उद्देश्य है वो है सत्य। जो सत्य की खोज में लगा है, सत्य की उपासना में लगा है, वो भागवत का श्रवण करे, वो भागवत की आराधना करे, उसका कल्याण होगा। किसी व्यक्ति का नहीं है, हर व्यक्ति का है भागवत, बस उपासना सत्य की हो। भागवत के चार पुरुषार्थ बताए। हम लोग जिस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं उसका विषय क्या है? मैंने पहले भी ये सब व्यक्त किए थे, कई साल हो गए। हमारे यहां चार रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि। मोहरात्रि, ये चार महारात्रि हैं। तो शिवरात्रि सर्वोत्तम है, ये दिन सभी उत्तम है, पर शिवरात्रि क्या उत्तम है? बोले शिवदम कल्याणम, भगवान शिव जब अपने लीला का प्रसार करते हैं, अपने भक्तों को अपने कार्य में लगा हुआ देखते हैं, तो प्रसन्न होकर के उनका कल्याण करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि कल्याण करती है। इसी उपलक्ष्य में पहले कथा सुनी और उसी में अब प्रारंभ होंगे। तो हम जिस भागवत को सुनने के लिए बैठे हैं उसका विषय क्या है? भाई सात दिन कथा सुनेंगे तो उसमें क्या लिखा ये तो पता चले, हमारे मतलब का है कि नहीं है। और दूसरा, उसका अधिकारी कौन है? हम बैठे तो हैं कथा सुनने के लिए,
क्या सच में हम अधिकारी हैं? और अधिकारी नहीं है तो बन जाओ, ऐसा थोड़े कि हम अधिकारी नहीं है तो बनेंगे नहीं, हमें बनना भी पड़ेगा, अधिकारी बन जाओ। तीसरा, भागवत का संबंध क्या है? हम भागवत की कथा को क्यों सुने? ब्रह्मा जी ने तो स्पष्ट कहा है, शास्त्रम भागवतम कलौ, कलिकाल के जीवों की मुक्ति का यदि कोई सर्वोत्तम शास्त्र है तो वो है भागवत। जिसको ये इच्छा है कि मेरा कल्याण होना चाहिए तो वो भागवत की कथा सुने। पूरी दुनिया में यदि कलिकाल के जीवों की मुक्ति का सर्वोत्तम कोई शास्त्र है तो वो भागवत है। जिसने भागवत का श्रवण किया वो वैकुंठ गया। तो हम और आप भागवत क्यों सुने? हमारा और भागवत का रिश्ता क्या है? देखो, यदि हमारा किसी से निकट का रिश्ता है, संबंध है, तो हम उसकी बड़ी सेवा करते हैं। और हमारा कोई रिश्ता नहीं तो कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं, कोई बात करता है, कोई पानी पिलाता है, कोई नाश्ता कराता है, कोई चाय पिलाता है, बोले नहीं कोई मतलब नहीं, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। और रिश्तेदार होगा तो स्टेशन पर लेने जाएंगे, गाड़ी लेट हो गई तो भी इंतजार करेंगे, क्योंकि संबंध है। तो हम भागवत की कथा क्यों सुने? हमारा और भागवत का संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, आवश्यकता क्या है कथा सुनने की? और चौथा, भागवत का प्रयोजन क्या है? कलकाल के जीवों के लिए भागवत का निर्माण क्यों किया गया? आवश्यकता क्या थी, प्रयोजन क्या है? तो भागवत के चार पुरुषार्थ हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। तो पहला है विषय। भागवत का विषय क्या है? तो भागवतकार कहते हैं, धर्म प्रोजित के त्रवोत्र परमो निर्मत सराड़ सता वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्यते त्रकृतभि शुश्रूषभिस्तच्छर। भागवत का विषय बताया, धर्म पूज्यत, ठीक प्रकार से जिसमें निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया है, ऐसा भागवत का विषय। बेटा बैठ जाओ, तुम खड़े नहीं होते और कथा में फोन नहीं चालू करते हैं, फोन नहीं लगाते, मोबाइल को बंद कर दो, बंद करके फिर सुनो कथा। राधे राधे। देखो जब राधे राधे बोले तो जोर से ही बोलना, कम से कम पड़ोसी की झक्की खुल जाए, आलस्य हमारा भी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये नाम बड़े महत्व का है, इस नाम को जो भी कोई लेगा उसके पास कन्हैया दौड़ा दौड़ा आएगा। और दूसरा, जिसके भी कान में यह शब्द जाएगा, ये नाम जाएगा हमारे द्वारा, उसका कल्याण होगा। तो कितने लोगों के कानों में यह नाम पहुंचेगा तो हमारा भी उसमें हिस्सा हो जाएगा ना, उसका कल्याण हो रहा है, इसलिए इसको तो जोर से ही लेना। राधे राधे। पूज्य भागवतकार ने कहा, धर्म प्रोचित, भागवत का जो विषय है वो है निष्कपट धर्म का प्रतिपादन। इसमें कपट नहीं है,
बोले भागवत का ऐसा विषय है जिसमें कपट नहीं है, निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। तो क्यों भैया, धर्म में भी कपट होता है? ये प्रश्न है और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम अपने लिए भी, समाज के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और अपने भारत के लिए, राष्ट्र के लिए भी थोड़ा सा ध्यान करें, क्या धर्म में कपट होता है? और जिस धर्म में कपट होता है वो धर्म कैसा है? धर्म में तो कपट होना ही नहीं चाहिए, धर्म तो सब के लिए है, धर्म तो निष्कपट होता है। और यहां कहते हो ये कपट रहित, क्या धर्म में कपट है? बोले नहीं, कपट धर्म में नहीं होता, धर्म तो धर्म है, पर हमें ये देखना है किस धर्म में, कौन सा धर्म निष्कपट है, जो स्वयं निर्मित है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया नहीं है, वो धर्म है। और जिसको किसी ने बनाया है उसे भले ही कहना कि ये धर्म है, पर वो धर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कपट है, जिसमें कपट है उसे मजहब कह सकते हैं, उसे धर्म नहीं कहते। पर आज लोग कहते हैं सनातन धर्म को किसी ने बनाया, सत्य सनातन हिंदू धर्म जो है, आज कोई दावा कर सकता है इस हिंदू धर्म को बनाने वाला मुख्य व्यक्ति है? हिंदू धर्म के अलावा दुनिया में जितने धर्म हैं उनको बनाने वाला कोई न कोई व्यक्ति विशेष है, पर हिंदू धर्म को बनाने वाला कोई नहीं। जब से ये सृष्टि हुई है तब से ये धर्म चला है, इसी धर्म में राम आए, इसी धर्म में कृष्ण आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, ऋषि मुनि आए, वशिष्ठादि ऋषि आए, इसी धर्म को स्वीकार किया। तो जो अनादि का है वो धर्म है, और किसी व्यक्ति ने बनाया है, बहुत सारे ऐसे धर्म है जो बनाए गए हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बना दिए, उसको भी हमने धर्म मान लिया, तो क्या वो धर्म है? बोले नहीं, वो मजहब हो सकता है, धर्म तो धर्म है। और भागवत का कैसा विषय है? बोले निष्कपट धर्म। धर्म किसी को मारता नहीं है, जो धर्म की होता है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वो खून खराबा नहीं करता है। पर जहां मजहब आता है वहां एकाधिकार करने के लोग सोचते हैं, यही आज हमारे यहाँ आज दुनिया में झगड़ा है, केवल हम ही रहे दूसरा ना रहे, जबकि हमारा धर्म तो कहता है जियो और जीने दो, तुम भी जियो भाई और हमें भी जीने दो। भागवतकार बोले भागवत का जो विषय है वो है निष्कपट धर्म, इसे कहते परात्पर धर्म, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परात्परम धीमहि ध्यायेम। सदगण चिदगण आनंद घन जो परमात्मा है, जो परात्पर ब्रह्म है, एक धर्म है, दूसरा परम धर्म है। धर्म हमने बनाया कैसे? बोले ये हमारा है, हमने कहा ये हमारे पिताजी, हमारी माताजी है, ये हमारा घर है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा, ये भी एक धर्म है। तेज लोक धर्मान, लोक धर्मान तेजा, जिनको हमने बनाया है उनमें कहीं कपट होगा, पर जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है उसमें कहीं धर्म, कहीं कपट नहीं है, क्योंकि उसे कहते परात्पर धर्म। भागवत का जो विषय है वो परात्पर धर्म है। बोले भागवत का विषय तो बहुत अच्छा है, अब भागवत का अधिकारी कौन है? अधिकारी भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा? बोले हाँ, अधिकारी तो बहुत बड़ा ही होगा, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है इसका। भागवतकार कहते निर्मत सराणाम सताम, निर्मत सर संत ही भागवत की अधिकारी है। बोले बाबा जी इसके अधिकारी है? बोले नहीं, तो क्या घर छोड़ के बने में जाकर बैठ गए हैं, सन्यास ले लिया, वो इसके अधिकारी है? बोले नहीं। तो निर्मत सराणाम,
चाहे वो घर में रहती हैं, चाहे वन में रहती हैं, चाहे बाबा जी बन गए, चाहे गृहस्थ बन गए, चाहे सन्यासी बन गए, चाहे बेटा बेटी का पालन पोषण करती हैं, पर जिनके अंदर निर्मत्सरता नहीं है वो भागवत की अधिकारी है। निर्गता मत्तः सरति, जिनके अंदर से निकल गई है मत्सरता, जिनके हृदय से निकल गई है ईर्ष्या, वही भागवत के अधिकारी है। अच्छा, मत्सर किसे कहते हैं? श्रीधर स्वामी पाद अपने टीका में लिखते हैं, पर उत्कर्ष असहनम। किसी ने मेहनत करके वो बड़ा बन गया, उसने मेहनत की बड़ा बन गया, पड़ोसी ने देखा इतना बड़ा बन गया, अब पड़ोसी उसकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रहा। जो किसी की उन्नति को सहन न कर पाए उसे कहते हैं मत्सर, पैर पकड़ के खींचना, बोले से बढ़ने नहीं देंगे। कई लोग कहते ना हाँ ठीक है, अब हो गया बड़ा, कल तक तो यही गली में घूमा करता था, अब बन गया बड़ा, हम तो नहीं मानेंगे। अरे भाई तुम मानो या मत मानो, परमात्मा ने उसको बड़ा बनाया है, वो तो बड़ा है। पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को सहन जो न कर पाए उसे कहते मत्सर। तद रहता नाम निर्मत्सरः, उससे जो रहित है, जिन्हें क्रोध नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, वही भागवत के अधिकारी है। गुरु अपने शिष्य को संभालने के लिए क्रोध करता है, उसको क्रोध नहीं कहते। पिता अपने पुत्र को संभालने के लिए क्रोध करता है, वो उसे क्रोध नहीं कहते। वो क्रोध केवल होठों तक है, हृदय का नहीं है। क्रोध हृदय में नहीं जाना चाहिए, हृदय में गया तो बड़ा नुकसान है। ईर्ष्या हृदय में चली गई तो बड़ा नुकसान है। जानते हो कैसे? देखो दुनिया में दो शब्द हैं, एक तो मत्सर, और मत्सर जैसा ही एक और शब्द है जिसे कहते हैं मच्छर। मच्छर से तो सब परिचित होंगे आजकल। मच्छर से बचने के लिए लोग सर्दियों में भी पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। राधे राधे। मच्छर जब डंक मारता है पता चलता है, पता कब चलता है? जब डंक मार के उड़ जाता है, जब खुजली होती है, वहां स्वेलिंग होती है, तब पता चलता है मच्छर काट गया। काटने के बाद पता चलता है, पहले नहीं चलता। तो ऐसे जो मत्सर है, जब हमारे हृदय को काटता है तब पता चलता है। बस मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर हृदय को काटता है, दोनों के एक से शब्द है। एक बाहर और दिखता कब है? जब दोनों काटते हैं, काटने के बाद दिखाई देते हैं। जब हमारे कोमल हृदय में ईर्ष्या का डंक जब लगता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, अपने प्रेमियों को भूल जाते हैं, और जिससे हमारी दुश्मनी होती है उसको हम अपने दिल में बिठा लेते हैं। बस वही वो रहता है हमारे हृदय में, जिस हृदय में परमात्मा को रहना चाहिए, जिस हृदय में हमारे निकट के लोगों को रहना चाहिए, उनको निकाल देते हैं और अपने दुश्मन को हृदय में बिठा लेते हैं। बाद में ध्यान आता है ये मैंने क्या किया, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो भागवत का वही अधिकारी है जिसे ईर्ष्या नहीं है, जिसे द्वेष नहीं है, जिसे क्रोध नहीं है। क्रोध रहित हो जाओ, अनावश्यक क्रोध करोगे खुद भी कष्ट पाओगे। किसी को संभालने के लिए कहना है वो वाणी का है, वाणी के अंदर नहीं है। निर्मत्सर आराम सता, निर्मत्सर संत ही भागवत के अधिकारी है। जैसे राजा परीक्षित से पूछा, अब राजा परीक्षित अधिकारी है भागवत सुनने का। विमान आया बैकुंठ से, विमान में बैठ करके बैकुंठ गया राजा परीक्षित। क्यों गया? क्योंकि वो अधिकारी बन गया। राजा परीक्षित से पूछा, राजन
जिस समय आप अपने माँ के गर्भ में थे, द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तुम्हें मारने के लिए, वो भगवान कृष्ण ने तुमको बचा लिया। यदि वो नहीं बचाते तो आप तो प्राण ही निकल जाते, दुनिया नहीं देख पाते। और जब बाहर आए आप, बड़े हो गए, समझ आ गई, तो आपको बुरा लगा होगा, आपको क्रोध भी आया होगा। एक ब्राह्मण ने मेरी मां के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो हम ब्राह्मणों से बदला लेंगे, ऐसा मन में आया होगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमारे मन में नहीं आया, हमें रेत लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया। क्यों, क्या बुरा नहीं लगा? बोले नहीं लगा। बुरा क्यों नहीं लगा? राजा परीक्षित ने कहा, एक बात कहूं, यदि अश्वत्थामा मुझे मारने के लिए बाण नहीं चलाता, मेरी मां के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ता, तो भगवान के उदर में, मां के उदर में भगवान का दर्शन हमें कैसे होता? ये तो उस ब्रह्मास्त्र की कृपा है कि मां के उदर में मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। नहीं तो न जाने कितने यत्न करते हैं बड़े बड़े योगी, अंत में भगवान का नाम नहीं आता, और मुझे तो मां के उदर में ही भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। ये उसकी कोप में कृपा है, मैंने तो उसको कृपा माना है महाराज। सुखदेव जी बोले, चलो ठीक है, उस समय तुम्हें समझदारी नहीं थी, पर अब तक तुम्हें समझ है। तुम जब चक्रवर्ती राजा बन गए, कितना सुंदर तुम्हारा साम्राज्य फैल गया, जगह जगह तुम्हारी जय जयकार हो रही है, तुमने अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। लेकिन अचानक समीक ऋषि का पुत्र संगी ने तुम्हें साफ दे दिया, सातवें दिन तक्षक डसेगा, अब तो बुरा लगा होगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो आपको बहुत जीना है, आपने कुछ नहीं देखा संसार का। जब सुख के दिन आए तो एक ब्राह्मण ने साफ दे दिया सातवें दिन तक चक डसेगा, तो बुरा लगा कि नहीं लगा? क्रोध आया कि नहीं लगा? सात दिन है तुम्हारे पास में, बदला ले सकते हो, सात दिन तक मृत्यु नहीं आ सकती तुम्हारे पास, अभी समय है तुम्हारे पास। परीक्षित ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे क्रोध नहीं आया। क्यों नहीं आया? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव यदि समीक ऋषि के पुत्र ने हमें साप नहीं दिया होता सातवें दिन तक चक डसने का, तो मुझे सुखदेव जैसे संत का दर्शन कैसे होता? जिनके दर्शन के लिए दुनिया लालायत है, आपका दर्शन सबको नहीं मिलता, ये तो उस ब्राह्मण की कृपा है, उसकी कृपा के द्वारा आप हमको मिल गए, आपके द्वारा भागवत की कथा सुनने के लिए बैठा हूं, ये तो उनकी कृपा है जिसे तुम कहते हो क्रोध। क्रोध नहीं, क्रोध में कृपा छिपी है। सुखदेव स्वामी ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम सच्चे अधिकारी हो, क्योंकि भागवत का वही अधिकारी है, समस्या कैसी भी हो पर क्रोध ना आए, द्वेष ना आए, ईर्षा ना हो, निर्मत सराणाम सताम, और कितनी शांति होनी चाहिए। भक्तमाल में कथा आती है, संत तुकाराम जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़े अद्भुत संत हैं। इस कलिकाल में तुकाराम जी को लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और सभी नगरवासियों के सामने विमान में बैठे, उनके सामने बैठकर बैकुंठ गए। और उनका जीवन कैसा अद्भुत है, घर में तीन सदस्य हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है और बैकुंठ जाने के अधिकारी हैं। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षा में बहुत सारे गन्ना किसी किसान ने दे दिए, गन्ना लेकर आ रहे थे, रास्ते में महात्मा मिल गए,
महात्माओं ने कहा तुकाराम जी, हाँ महाराज, इतने गन्ना अकेले क्या करोगे? अरे इतने मिले हैं, इसमें से कुछ दान कर दो, एक एक गन्ना हम लोगों को दे दो। तुकाराम जी ने एक एक गन्ना महात्मा को बांट दिया, तो भी आधे रह गए। आधे गन्ना लेकर के गांव में आए, गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो छोटे छोटे बच्चे आ गए, बोले बाबा गन्ना बहुत है, एक एक हमें भी दे दो। तो महात्मा जी ने बांटना शुरू कर दिया, बांटते बांटते सारे गन्ना बट गए, एक गन्ना बचा। सोचा चलो ठीक है, आज इसी से गुजर कर लेंगे, कल देखेंगे। और घर में तीन सदस्य, पत्नी है, बेटा है और स्वयं है। बिठल बिठल कहते कहते घर पहुंचे, पत्नी आग बबूला हो रही थी। तुकाराम जी बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, पर जितने सरल हैं महात्मा जी उतनी ही टेढ़ी उनकी पत्नी है, बहुत क्रूर है, बहुत क्रोधी है। देर हो गई थी, तुकाराम जी ने जाकर उन्हें गन्ना दिया। उसने पूछा एक ही मिला आज? तुकाराम जी बोले नहीं, बहुत मिले थे आज तो, कहाँ है? तुकाराम जी बोले आधे गन्ना हमने महात्माओं को बांट दिए, कुछ बच्चों को बांट दिए, अब एक बचा है, आज इसी से गुजर करते हैं, कल फिर मांग लाएंगे। क्रोध में तो वैसे ही बैठी थी, हाथ में था गन्ना, बोले भीख में से भीख बांट दी, खुद भीख मांग रहे हैं और दान करते उसी में से। क्रोध में आकर के वही गन्ना तुकाराम जी की पीठ पर मारा, तीन टुकड़े हो गए। तुकाराम जी तो नाचने लगे, प्रभु आपके बराबर दुनिया में मैंने कोई दयालु नहीं देखा, यह है आपकी दयालुता, हमें तीन हिस्से करने पड़ते, हम सोचते कहां से तोड़े कैसे तोड़े, आपने तो तीन हिस्से पहले से ही कर दिए। जिसका ऐसा भाव हो वो है भागवत का सच्चा अधिकारी, निर्मत सराड़ाम सताम, जिसे क्रोध ना आए, जिसको द्वेष नहीं ईर्ष्या नहीं, जिसके जीवन में बदले की भावना नहीं। हम लोग कहते हैं अब हमको तो बदला लेना है, अरे किससे बदला लोगे? जिससे बदला लेते वो भी तो तुम ही हो, हमारे दांतों ने जीव को काट लिया, कभी कभी जीव कटी होगी दांतों से, ना कटती है ना, कितना दर्द होता है, जीव कोमल है, दांत कठोर है, कोमल जीव को जब दांतों ने काटा, आपने कहा किसी को आज हमारे दांतों ने जीव काट दी, सामने वाला बोला तुम्हारे दांत बहुत बदतमीज हो गए, पता है बेचारी जीव कितनी कोमल है, भीतर रहती है, कुछ कहती नहीं है, और फिर भी ये दांत जैसी मौका लगता है जीव को काट लेती, बहुत बदतमीज हो गई है, एक काम करो पत्थर उठाओ इन सारे दांतों को तोड़ दो। आगे से कभी नहीं काटेंगे, तोड़ दो इनको, क्या कोई तोड़ता है? जब तुम्हारी जीव को काटा है तो दांत क्यों नहीं तोड़ते भाई, बदला लो, जीव को काटा है हमें दांतों से बदला लेना है, तो हम खुद ही कहते भैया जीव हमारी है, दांत हमारे हैं, पहले से एक दर्द हो रहा है जीव के कटने से, और दांत तोड़ दिए तो और कितने दर्द, कितना दर्द होगा, जिनके दांत नहीं है उनसे पूछिए कितनी परेशानी है। आज तुम्हें दांत है इसलिए सुखी हो, बिना दांत वालों से पूछो, चने दिखते हैं बड़े लालाए तो होते, पर क्या क्या करें, नहीं खा सकते, हलवा से गुजर करनी पड़ती है, दांत तुम्हारे, जीव तुम्हारी, बदला किससे लेना है? अरे भाई गलती हो गई हमारी, क्या कि हमारी जीव आगे बढ़ गई, जीव जब तक अपनी हद में रहेगी तो क्या दांत उसे काटेंगे, क्या दांत अंदर जाते हैं जीव को काटने के लिए? भाई जीव ही आगे बढ़ती है, जीव को ठीक कर लो ना, दांतों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, अब जीव से कहो अपनी सीमा में रहा करो, नहीं ज्यादा आगे बढ़ोगी तो अब की बार में तो पूरी ही राधे राधे। दांत तुम्हारे, जीव तुम्हारी, किससे बदला लोगे? बस सावधानी बरतो। ऐसे ही किसी ने हमको गाली दे दी, अरे भाई वो भी तो तुम्हारा ही है,
तुलसी बाबा कहते हैं श्री राम मैं सब जग जाने, सर्वत्र श्री सीताराम जी है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। अपना दोष दो भाई, हो सकता है कोई गलती हमने की हो, इसलिए किसी ने गाली दी है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, समस्या हल हो जाएगी, हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। हम क्रोध में आकर के बराबरी करेंगे, परिणाम कितना दुखद होता है, कितना भयानक होता है। भागवत का वही अधिकारी है जिसे क्रोध नहीं आता। क्रोध रहित होकर के भागवत की कथा को सुनिएगा, निश्चित रूप से उसके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। भागवत का और हमारा संबंध क्या है, हम भागवत की कथा क्यों सुने? बोले शिवदम कल्याणम, जो भी भागवत सुनेगा उसका कल्याण होगा, वो वैकुंठ जाएगा। अब क्या गारंटी है कि कथा सुनकर के हम वैकुंठ जाएंगे? कोई गारंटी है? राधे राधे, बहुत ध्यान देना उस पर। कोई प्रश्न कर सकता है कि तुम बार बार कहते हो भागवत सुन के वैकुंठ जाओगे, तो कोई गारंटी है हम वैकुंठ जाएंगे? ब्रह्मा जी दावा करते हैं जिसने भागवत को सुना और जिसने भागवत को पढ़ा वो व्यक्ति वैकुंठ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। श्रवणा सद्यो, देर नहीं लगेगी, तुरंत वो वैकुंठ जाएंगे। कोई गारंटी क्या है? अच्छा, कोई कह रहा हो, अब हम ही से कोई पूछे, महाराज आप बार बार कहते हो कि भागवत की कथा सुनकर के वैकुंठ पहुंचेंगे, तो आप क्या वैकुंठ गए हो? अब क्या कहेंगे हम? तो हम तो नहीं गए हैं, तो जब हम नहीं गए वैकुंठ तो दूसरे को कैसे भेज सकते? प्रश्न है ये, तो विचार करना। आप स्टेशन पर गए, खिड़की पर जाकर के आपने अपनी यात्रा का आरक्षण करा लिया, आपने कहा हमको तो मथुरा जाना है और 3 महीने आगे का रिजर्वेशन ले लिया, उसने आपको आरक्षण दे भी दिया, टिकट दे दिया, पैसा भी ले लिया, फिर आपने टिकट को देखा पलट के सीधा करके, बोले हम मथुरा पहुंचेंगे, बोले हाँ पहुंच जाओगे। तो ये कागज का टुकड़ा है, इससे कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा इसको जेब में रख लो, जिस तारीख का ये टिकट है उस तारीख में स्टेशन पर जाना, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी में बैठना और गाड़ी चलेगी, आपको मथुरा उतार दे। फिर आप कहना क्यों भैया आप कभी मथुरा गए हो? अब टिकट देने वाले से पूछो क्या आप कभी मथुरा गए हो? बोले मैं तो नहीं गया हूं। तो फिर हमें कैसे पहुंचा सकते हो? क्या गारंटी हम पहुंच ही जाएंगे? बोला मैं भले ही नहीं गया भी, हमारी व्यस्तता है इसलिए हम नहीं गए, हमारा जिस दिन मन होगा हम भी चले जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, पर अभी नहीं गए हैं, मैंने नहीं देखा है, पर यह दावा है इस टिकट को जो भी जेब में रख करके अपनी तारीख में गाड़ी में बैठ करके जाएगा वो मथुरा पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा विश्वास के साथ रख लू, जिस तारीख का आपने रिजर्वेशन कराया उस तारीख में आप जाओ स्टेशन, गाड़ी होगी, गाड़ी में बैठ जाइए, अपने गंतव्य पर पहुंच जाओगे। और पहले गए तो गाड़ी वाला नहीं बैठा लेगा, मना कर देगा, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। और बाद में बोले बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, बोले जिस तारीख का टिकट है उसमें उस दिन तुमको जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम आज कथा सुन रहे हैं, आज तो हम अपना वैकुंठ जाने का रिजर्वेशन करा रहे हैं, किसी को 20 साल के बाद जाना है, किसी को 50 वर्ष के बाद जाना है, किसी को 15 वर्ष के बाद जाना है, सबने तय कर लिया हमारा इतने दिन का रिजर्वेशन है। और जिस दिन तुम्हारी गाड़ी आ जाए आप कथा को ध्यान में करके बैठ जाना, वैकुंठ पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। हम भी जा सकते, ऐसी बात नहीं हम नहीं जाएंगे, जब मन करेगा तब चले जाएंगे, अभी नहीं गए, अभी तो लोगों को टिकट दे रहे हैं, पर जिस दिन हम लेंगे हम भी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कथा कहने वाला बताने वाला गया होगा तो ही हम जा सकते हैं, अरे वो भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। इसलिए भागवतकार कहते हैं शिवदम, जिसने भागवत की कथा का श्रवण किया वो वैकुंठ जाएगा।
जिसने भागवत की कथा को सुना, गोविंद का गुणगान किया, उसकी बनेगी जिन्होंने गोविंद का नाम नहीं लिया उनकी बिगड़ी है, उनकी कभी बनी नहीं है, और जिसने भगवान का नाम लिया है, प्रभु की कथा सुनी है, उनकी बनी है। संत कहते हैं, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन की बन गई है चीर की बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई है चीर की बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई है चीर की बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई है चीर की बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, की बन गई सिया सुधी लाए से, हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए से, हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए से, हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गजहू की बन गई है गीदहू की बन गई, गजहू की बन गई है गीदहू की बन गई, गजहू की बन गई है गीदहू की बन गई, गजहू की बन गई है
ये नौ की बन गई, के बट की बन गई है नावों पे चढ़ाए से, बट की बन गई है नावों पे चढ़ाए से, के बट की बन गई है नावों पे चढ़ाए से, के बट की बन गई है नावों पे चढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से। बन गई है माखन खबाए से, गोपियों की बन गई है माखन खबाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल 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 गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गाए से, उद्धव की बन गई है भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई है भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई है भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई है भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई है गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई है गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई है गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई है गीता ज्ञान पाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए 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 से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए
से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाय से, 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 तेरी बन गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। जिन्होंने गोविंद का गुणगान किया उन सब की बनी, हम लोग भी करेंगे हमारी बनेगी, हम लोग भी सुनेंगे हमारा कल्याण होगा। शिवदम भागवतकार कहते हैं, जो भी भागवत की कथा को सुनेगा वो वैकुंठ जाएगा। तो प्रयोजन क्या है भागवत का, भागवत को बनाया क्यों गया? बोले तीनों तापों को जड़ से समाप्त करना ही भागवत का प्रयोजन है। तापत्रयोन्मूलनम्, दैहिक दैविक भौतिक जो तीन ताप है, तीनों तापों को जड़ से समाप्त करना भागवत का प्रयोजन है। भागवत है क्या? निगम कल्प तरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमो वेदः, वेद रूपी कल्प वृक्ष का भागवत रूपी पका हुआ फल है। वेद है वृक्ष और भागवत है फल। वृक्ष नहीं होता तो फल कहां से आता? लेकिन हम कामना वृक्ष की नहीं करते, कामना हमारी फल की रहती है। भाई फल चाहिए, बाजार में फल बिकने के लिए आता है, कोई वृक्ष खरीदने जाता है बाजार में, बाजार में जाएंगे भाई फल लाओ, उसका वृक्ष है वन में, कोई नहीं चर्चा करता पर फल की चर्चा सब करते। तो वेद है वृक्ष, भागवत है फल। और ये कैसा फल है? गलितम, परिपक्व, पका हुआ है, इसमें ना कोई छिलका है ना ही कोई गुठली है, रस ही रस है, बड़ा मीठा है। भागवत रूपी फल मीठा है, क्या गारंटी है? बोले गारंटी है, फलों का पारकी पक्षी होता है सुख तोता, तोता उसी फल को खाता है जो मीठा होता है, खट्टे को नहीं खाता। जो फल खट्टा होता है तोता छोड़ देता है। तो भागवत रूपी फल में सुखदेव जी ने अमृत रूपी द्रव और भर दिया। सुख मुखात, सुखदेव जी ने अपनी वाणी से इसमें अमृत भर दिया है। करना क्या है? बोले पिवत, पीना है। तो किसी ने कहा, क्यों भैया, भागवत है फल, फल को पिया जाता है कि फल को खाया जाता है? जरा बोलो तो सही। अब ये कहिएगा कि खादते, भागवत रूपी फल को खाइए, आप कह रहे हो पीजिए, तो खैर कोई बात नहीं है। आजकल तो हर फल का जूस बन जाता है, कोई भी फल हो जूस बनाओ और पी लो,
तो पीना है? भागवतकार बोले हाँ पीना है। तो पीना तो मुंह से ही है? बोले नहीं, मुंह से नहीं पीना। क्यों? बोले जहां से पीना चाहते हो वहां से ये पिलाया जाता है, जहां से तुम्हारी इच्छा पीने की हो रही है वहां से ये पिलाया जाएगा। तो फिर पिए कहां से? भागवतकार बोले कर्ण संपुट ही, कानों से पियो। मुंह से तो पिलाया जाता है, अब जहां से पिलाओगे वहां से थोड़े पियोगे। फिर बोले कानों से पियो और मुंह से पिलाओ। कान रूपी दौने में भागवत रूपी रस को डालो और उस अपने हृदय में ले जाओ। बोले ठीक है, कानों से पिएंगे, आप पिलाइए मुंह से। इतना और बताओ इसको कब तक पिए? इसका पान हमें कब तक करना है? एक बार, चार बार, दस बार, कब तक? एक दिन सुने या सात दिन सुने? इसकी कोई, इसका कोई नियम है सुनने का? भागवतकार बोले दिनानाम नियमो नास्ति, दिनानाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। ये नहीं कह सकते कि हम केवल सात दिन ही सुने। फिर सर्वदा जब तक तुमको सुनाने वाले मिले तब तक इसको सुनो। अब ऐसा थोड़े ही है, भोले बाबा की शिवरात्रि एक बार ही आती है क्या? वो तो हर वर्ष आती है।
गंगा वाले ते मैं वृंदावन जाऊं किनारे मुरलिया वाले ते मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं सखीरी मैं वृंदावन जाऊं वृंदावन जाऊं वृंदावन जाऊं सखी मैं वृंदावन जाऊं।